crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plot right. Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kyle, who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज वैसे ही मैं डाइक की तरफ घूमने आया था हर बार की तरह, तो आज डाइक के थोड़ा आगे आए हैं। सोचा ये पार्ट आपको दिखा दूँ, ये पार्ट छूट गया था मुझसे, अब बहुत थक गया हूँ मैं, क्योंकि नीचे जाके फिर ऊपर आया हूँ मैं। अब इन्जॉय कीजिए। जैसे कि आप सबको पता होगा, हम यहाँ तक आए थे, फिर यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे थे, अभी हम परमिशन लेके इतना दूर तक ही आ सकते हैं। तो यहाँ से स्टेयर है, अभी मैं आपको नीचे जाके भी दिखाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था और इस तरफ तो अभी जाने का परमिशन नहीं मिला है कुछ रीजंस की वजह से, और इतना तक पानी था। और आगे जाके आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मस्त जगह है इधर। ये कॉर्नर आपको देखने से लगेगा कि छोटा सा बीच का पार्ट है। अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस फ़ोन में एक तो बहुत ही अच्छा फीचर है कि मुझे कैमरा ऑफ नहीं करना पड़ेगा आगे और पीछे स्विच करने के लिए, तो ये बेस्ट पार्ट है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये एक ही टेक में मैं पूरा फुल वीडियो ले रहा हूँ। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं इधर, कम से कम 50 होंगी, क्योंकि उतरते उतरते मेरा हवा टाइट हो जा रहा है। यहाँ पर भेड़ बकरी भी आए हैं चरने, वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, और ये कॉर्नर में हम आए थे अभी। बारिश होने का भी सिग्नल मिल रहा है मुझे, लगता है यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बारिश होगी हम सब भीग जाएंगे, और घर थोड़ा दूर है यहाँ से। पानी के पास आके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पानी पूरा आपके पास आके है, क्योंकि जब ऊपर आप रहेंगे तो पानी के पास तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, आप ऊपर साइड में रह रहे होंगे। तो यही एक जगह है जहाँ पर हम आ सकते हैं इजीली। और यहाँ पर छोड़ते थे कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जब पूछे तो हम आपको छोड़ देंगे, इसलिए यहाँ पर आ पाए। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर पुलिस भैया बैठे हैं, कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आके। तो आज जस्ट यही पार्ट इधर दिखाना था आपको, और आगे जो कुछ ब्लॉग नहीं किया है, आगे कुछ कंटिन्यू होता तो मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि ये जस्ट रैंडमली मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत दिन से कुछ आया नहीं था, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम भी रहता है ना, आपको कंटिन्यूस वीडियोस भी डालने पड़ते हैं, अगर कुछ दिन छूट गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। पसीना, गर्मी बहुत है आज, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby? You know I'm the plug, right? जितनी मस्ती करनी थी मस्ती हो गई, अभी चुपचाप ऊपर चढ़ के जा रहे हैं हम, क्योंकि पुलिस भैया भी देख रहे हैं, शायद तक कुछ प्रॉब्लम हो। आगे चलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। दोस्तों ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, और मैं पूरा थक चुका हूँ, क्योंकि अभी घर फिर साइकिलिंग करके जाना है। अभी कुछ दिन से हम रोज़ाना यहीं पे आ रहे हैं वर्कआउट के नाम पे, तो इधर उधर कुछ साइकिलिंग करेंगे या फिर कुछ भी वार्म अप टाइप करेंगे, तो कुछ तो पतले होंगे ना, लॉकडाउन में बैठ बैठ के हम खाली मोटे ही हो रहे हैं, तो मोटा होने से अच्छा है कि थोड़ा पतला भी हो जाए। और कॉलेज भी अभी खुलने वाला है, फोर्थ ईयर का मेरा कॉलेज का स्टूडेंट्स लोन के लिए खुल गया, सीनियर्स लोन के लिए खुल गया है, और एक दो महीने में फिर हमारा क्लासेस भी चालू हो जाएगा ऑफलाइन। तो ये मोटा बन गया थोड़ी ना कॉलेज जाना है, थोड़ा पतला भी होना है ना, इसलिए। और एक पार्ट ये बात बताना आपको भूल गया था, यहाँ पर एक जो मैं आया है, जो थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम में फ़ोटोज छोड़ता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको लिंक, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो एक पहाड़ का फ़ोटो मैं बार बार छोड़ता हूँ, कि वो पहाड़ मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हम अभी ज़्यादा ही करीब आ गए हैं, आपको दिखाता हूँ।
जितना भी जो फोटोज़ वॉलपेपर इधर उधर का मैं बनाता हूँ सब इस पहाड़ के ऊपर है, क्योंकि अगर यहाँ पर आने पहले नहीं देते थे तो हम वहाँ से लेके थोड़ा बहुत शूट करते थे। तो ये जो पहाड़ है ना, इसके ऊपर जितना भी मैंने फोटोज़ वोटोज़ सब बनाया है। ये फ्रेम भी अच्छा लग रहा है, इसके स्नैप ले लेता हूँ। अच्छा, स्नैप मैंने ले लिया है। आप इसी के ऊपर जितना भी मेरा फोटोज़ होता था, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये जैसे एक तो आइलैंड, छोटा सा आइलैंड टाइप का है, तो इसीलिए इसके ऊपर इसका वीडियो था। अभी मैं थक गया हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों के साथ आया था मैं, ये देख सकते हैं वहाँ पर बैठे हैं। पानी भी लेके आया था, पानी भी ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। दोस्तों, ऐसे ही हम रैंडमली यहाँ पर घूमने आए थे और ये रैंडमली वीडियो बन गया। जैसे वो हीराकुड डैम का बना था ना, सडनली हम गए थे, उसी तरह का इसका वीडियो बन गया। और चारों तरफ लोग भी मुझे देख रहे हैं कुछ अजीब तरह से। तो ये व्लॉग को मैं यही रखता हूँ। और इस तरफ हमें पहले छोड़ते नहीं थे, इसीलिए मैं कभी व्लॉग में आपको नहीं दिखाया था। आपको दिख रहा होगा इस साइड में सीढ़ी है, इस सीढ़ी से हम नीचे गए थे। और इस साइड में ब्लू कलर का कैबिन है जो ये पुलिस भैया लोगों का है। तो यही था आज का वीडियो, तो देखने के लिए शुक्रिया। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।